हेडिंग डाल दीजिए फिर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसर, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, समझना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए मुझे 10th फ्लोर तक जाना है, समझ में आ रहा है? दो तरह से जा सकता हूं मैं, सीढ़ियों से, सीढ़ियों से जा रहा हूं मैं, एक स्टेप गया धीरे धीरे, तो जिस पाथ से जा रहा हूं मैं उसी पाथ से आ जाऊंगा सीढ़ियों से। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक है, सपोज मेरे को उतरना है 10th फ्लोर से, उतरना है और मैं खिड़की से जंप मार गया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत फास्ट हो गया, लेकिन क्या मैं उसी पाथ से आ पाऊंगा? नहीं, जंप मार के ऊपर से नीचे तो कूद सकता हूँ लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस से आप जा सकते हो उसी से आ भी पाओगे, और कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे जा सकते हो लेकिन आ नहीं सकते। तो जिनसे आप जा और आ दोनों सकते हो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, और जिनसे सिर्फ जा सकते हो उन्हें क्या बोलोगे आप? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यस और नो? तो ये हमारे लिए हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच की एक बेसिक सी डेफिनेशंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिवर्सिबल व्हाट इज इरिवर्सिबल, तो आप एक लाइन तो ये लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेफिनेशंस, हार्डिंग के साथ एक कंपैरिजन करते हुए करेंगे और लिखेंगे मेरे साथ ही यहां पर, जल्दी से लिखें रिवर्सिबल प्रोसेस और हमारा अगला टॉपिक रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। तो फर्स्ट क्या डेफिनेशन प्रोसेस पढ़ी है रिवर्सिबल के लिए, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके लिए एक्सपांशन कर्व और कंप्रेशन कर्व दोनों क्या हो? सेम हो, हम उसे रिवर्सिबल। भाई यहां पर प्रोसेस का मतलब हमारे लिए एक्सपांशन और कंप्रेशन ही रहेगा। तो इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच कंप्रेशन एंड एक्सपांशन आर सेम पाथ, आर इन सेम पाथ कॉल्ड रिवर्सिबल। और अगर हम सेम डेफिनेशंस लिख रहे हैं, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच कंप्रेशन एंड एक्सपांशन आर इन डिफरेंट पाथ कॉल्ड इरिवर्सिबल। तो ये हमारे लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल हुआ। आपको जब मैंने रिवर्सिबल बताया था कि आप स्टेप से ऊपर जाना चाहते हैं तो रिवर्सिबल है, समझ में आ रहा है? तो स्टेप से ऊपर और उन्हीं स्टेप से आप नीचे आ रहे हो, सेम पॉइंट से जा रहे हो। तो अगर आप पीवी कर्व में बताएंगे सपोज, तो आप इस तरह से स्टेप से आ रहे हैं, या सुनो पक्का, कोई दिक्कत? और जब आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो इन्हीं स्टेप से आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां आप उतर रहे हैं और यहां आप चढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए हो गया ए से बी, और यहां आपके पास हो गया बी से ए। तो यहां आपके लिए प्रोसेस हो गया ए से बी और बी से ए। यहां दो बातें आ रही है कि आप ए से बी इस तरह से आ रहे हैं, मतलब स्टेप से आ रहे हैं, और यहां पर भी स्टेप से आ रहे हैं, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर आप एक ही तरह से खिड़की से कूद गए, मान लीजिए तो खिड़की से कूद गए तो एक ही स्टेप में कूदे हो आप, तो सीधा ये कूदे हो, ये आपका स्टेप हो गया पीवी।
ठीक है, और एक ही स्टेप में आप चढ़ भी गए, जैसे भी पीवी, तो आप मुझे बताइए क्या ये पाथ सेम है या नहीं है? नहीं है, अलग है, ये अलग रहेगा, ये ऊपर चढ़ गए। तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये पाथ सेम क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। दूसरा, ये इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों हो रहा है, वो एक साथ क्यों हो रहा है, ये पॉइंट्स। तो मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हमेशा देखो, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होती है, बोलो यस और नो। यानी आप ऐसा तो नहीं होता कि पहले रिएक्शन हो जाए फिर एक्शन हो, समझ में आया? आपने किसी को छेड़ दिया, ठीक है, तो सैंडल पढ़ना जरूरी है, तो एक्शन पहले हुआ फिर रिएक्शन हुई। ऐसा तो नहीं है किसी ने आपको सीधा सैंडल से मार दिया और कह दिया आप तुम चाहो तो छेड़ सकते हो, नहीं होगा, पहले एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ एक्शन होता है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज होने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो होता है रिएक्शन। तो पहले किस में चेंजेज होगा, प्रेशर में या वॉल्यूम में? प्रेशर में। अब किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो पहले प्रेशर लगाओगे, फिर वो धीरे धीरे दबता चला जाएगा, ये नहीं कि वो अपने आप दब जाएगा, आप प्रेशर लगा दो आप। इज दैट क्लियर? तो यहां पहले क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर प्रेशर डिक्रीज होगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर प्रेशर डिक्रीज होगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, यह सुनो। जबकि कंप्रेशन के अंदर पहले प्रेशर बढ़ेगा जैसे वॉल्यूम कम होगा, उल्टा होगा, उसमें पहले प्रेशर कम हो रहा था, इसमें पहले प्रेशर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो पहले प्रेशर बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, तो ये है। तो आपने कहा सर इस तरह से तो ये पाथ कहाँ सेम हुआ, ये तो अलग है, अंतर है, ये इस तरह से आ रहा है जबकि ये इस तरह से जा रहा है, तो पाथ तो अलग है। मैंने कहा देखिए बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाथ अलग है इसमें, लेकिन अगर ये स्टेप बहुत ज्यादा कर दें, इनफाइनाइट, इतना ज्यादा कर दें कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की कोई डिफिनेशन नहीं है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बहुत कम कम हो जाएगी, बहुत कम कम और कम और कम और कम, तो आपको ये फाइनली किस फॉर्मेट में दिखेगा, इस फॉर्मेट में दिख जाएगा, ये आने का और यही आपके लिए क्या हो जाएगा, जाने का। मैं दोनों को एक ही में बता देता हूं, तो इनकमिंग और आउटगोइंग क्या दिखेगा आपको, सेम। तो क्या ये इनफाइनाइट बनाया था मैंने? नहीं, कोशिश की थी कि मैं मैक्सिमम बना पाऊं, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं था। तो जब तक ये इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर रिवर्सिबल नहीं होगा, अभी ये रिवर्सिबल की तरफ है, रिवर्सिबल पूरी तरह से बना नहीं, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। पीवी आपको इसमें प्रेशर की कितनी वैल्यू दिख रही है, हर पॉइंट अपने आप में प्रेशर है, तो इनफाइनाइट बाय प्रेशर चेंज हुआ है, दिख रहा है ना? जबकि इसमें प्रेशर की कितनी वैल्यू दिखेगी आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 100 मान लो, बस इतनी मिलेगी, इनफाइनाइट तो नहीं मिलेगी। इनफाइनाइट कहाँ मिल रही है आपको, इसमें हर पॉइंट अपने आप में एक अलग प्रेशर रख रहा है, हर पॉइंट अपने आप में एक अलग वॉल्यूम रख रहा है, तो इसलिए ये प्रोसेस 100% रिवर्सिबल है। तो प्रोसेस जितना ज्यादा स्टेप में होगा उतना ज्यादा रिवर्सिबल होगा, और जितनी कम स्टेप में होगा उतना ही ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन एक हो गई, हमने पढ़ लिया, इन एक्सपांशन और कंप्रेशन सेम पाथ के और यहां डिफरेंट पाथ के। आपने प्रेशर देखो एकदम से कम कर दिया, वॉल्यूम एकदम से बढ़ेगा, प्रेशर एकदम से बढ़ा दिया फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या आना और जाने का सेम पाथ होगा? नहीं। तो आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अब डेफिनेशंस को हमें इस तरह से और लिखना है, अगला पॉइंट। ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, अगला पॉइंट क्या ऐड करेंगे? ये डायग्राम बना लिया आपने, चलिए ठीक, अगला पॉइंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा इसी के लिए, हम उसको रिवर्सिबल बोलेंगे जो इनफाइनाइट स्टेप्स में हुआ है। तो अगली डेफिनेशन यही होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट इन द इनफाइनाइट स्टेप्स, समझ में आ रहा है? यानी बहुत ज्यादा में होगा, और जितनी ज्यादा स्टेप में होगा आपका प्रोसेस उतना ही ज्यादा रिवर्सिबल होगा, सही है? तो अब आपको यहां पर क्या लिखना है इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस
इरिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट इन द फाइनाइट स्टेप्स. पहली चीज, तो जब आपको इस तरह के प्रोसेस दिखाई देंगे तो आइसोथर्मल ऐसा होगा, एडियाबेटिक ऐसा होगा, पीवी, इनके कर्व स्मूथ होंगे. पीवी, ये पीवी गामा को फॉलो करेगा और ये पीवी इक्वल टू के को फॉलो करेगा, कांस्टेंट. ये ए और बी, ये दोनों ही रिवर्सिबल है. इसको बोलेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल. लिखें इसको, रिवर्सिबल आइसोथर्मल. प्रोसेस और इसको बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. समझ में आ रही है बात? एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. ये कितना स्टेप्स में हुआ है? फाइनाइट यानी एक दो तीन चार पांच, मैं एक ही ले लेता हूं. मैं चाहता हूं 100% रिवर्सिबल हो और मैं चाहता हूं 100% इरिवर्सिबल हो. तो ये कितने स्टेप्स में हुआ? एक. यहां पी वी एक ही स्टेप में हुआ है, तो आपको पॉइंट भी दो ही मिलेंगे, एक इनिशियल पॉइंट ए और A. तो क्या इसमें रियल पाथ होगा? नहीं, इसमें रियल पाथ था, इसमें इमेजिनरी पाथ होगा. तो ये हमारे लिए कहलाएगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल. बस हमें ऐसा मिलेगा, यहां पर जो वैल्यू पीवी की है वही वैल्यू यहां पर मिलेगी, यानी इस जगह पी ए वी ए की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? पीबी वीबी की. कुछ कुछ समझ में आया? या सुनो, क्योंकि आइसोथर्मल की ये डेफिनेशन है, इनिशियल और मतलब थ्रू आउट द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. अब दो ही तो पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट इमेजिनरी है, तो पाथ इज इमेजिनरी. आई इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैविंग ओनली टू पोजिशंस, ओनली टू पॉइंट, सिर्फ दो पॉइंट रख रहा है. सो पाथ इज इमेजिनरी, पाथ इज इमेजिनरी. मैं ये मान लेता हूं पाथ इमेजिनरी और इसके अलावा और कोई पाथ होगा भी नहीं पॉसिबल. एक ही स्टेप में पूरा हो गया और इतना फास्ट होगा कि आप और पता भी नहीं लगा सकते कि कोई और पॉइंट है. ये हम लिखेंगे पॉइंट एक और, कि ये बहुत फास्ट होगा. दूसरी तरफ हमारे लिए जो होगा वो एडियाबेटिक होगा. ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, वो अंतर ये रहेगा, ये यहां जा रहा है ना, उसके लिए फर्क क्या पड़ेगा? टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. तो ये ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये था, तो ये बी डैश रहेगा. क्यों होगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन एडियाबेटिक के लिए क्या डेफिनेशन है? पीवी गामा कांस्टेंट. ये नहीं है, एडियाबेटिक की डेफिनेशन ये है हीट नॉट सप्लाइड. पीवी गामा कांस्टेंट एडियाबेटिक रिवर्सिबल की कंडीशन है. तो ये हमारे लिए होगा दिस. यानी कुल मिला के मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं अभी आपके साथ भी नहीं हूं. अगर आइसो नॉर्मल ये हम बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बी होता तो आपके पास बी डैश यहां होगा. अगर ये बी है तो बी से ऊपर होगा वो. रिवर्सिबल में टेम्परेचर जो होता है फाइनल, उस इरिवर्सिबल में थोड़ा सा ज्यादा रहता है उससे. रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में कम आता है, इरिवर्सिबल में थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ठीक है ना? और आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, टेम्परेचर सेम जाता है, सब कुछ सेम है. यानी उसके लिए अगर आप पाथ बनाएंगे तो वो
इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम होंगे, बस पाथ ही अलग है। लेकिन यहां इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल सेम है तो फाइनल अलग होगा, ये बात तय है, और दोनों पॉइंट बराबर नहीं हो सकते। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा आपको। तो क्या समझ में आया आपको कि क्यों है वो हम अलग से लिखेंगे। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए तो आपने लिख ही लिया प्रोसेस हैविंग ओनली टू पॉइंट्स, और यहां पर भी हम यही लिखेंगे सेम पॉइंट्स, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैविंग ओनली, बस अंतर है आइसोथर्मल की जगह हम क्या लिखेंगे, एडियाबैटिक, हैविंग ओनली टू पॉइंट्स सो पाथ इज इमेजिनरी। ये बात तो बिल्कुल दोनों के लिए तय है, लेकिन एक और पॉइंट हमारे लिए रहेगा, और वो रहेगा इसी के लिए कि पाथ इज इमेजिनरी बट फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये पॉइंट लिखा जाना चाहिए, बट फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए रिवर्सिबल के कंपेयर में, एज कंपेयर रिवर्सिबल। सही है, प्रूव करने का काम हमारा बाद का है। तो ये हमारे लिए एक और पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, हम अगर हम रिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं तो हमें अभी और भी बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। आप ही बताइए, क्या रिवर्सिबल एक ही स्टेप में हो रहा है? नहीं, इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है। तो ये क्या होगा, स्लो या फास्ट? स्लो, स्लो या वेरी स्लो? वेरी वेरी स्लो, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप ना मैंने देखी है ना आपने देखी है। तो क्या पॉइंट बनेगा, इट इज इट कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम स्टेप्स, इट कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप्स सो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। तो लिख लीजिए दिस प्रोसेस, नेक्स्ट दिस प्रोसेस कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप्स सो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, सो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। दूसरी तरफ हम देखेंगे दिस प्रोसेस कंप्लीट इन सिंगल स्टेप या फाइनाइट स्टेप, सो इट टेक फाइनाइट टाइम, सो इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। अगर कोई बहुत ज्यादा इनफाइनाइट टाइम पे होगा तो क्या बोलोगे, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल, पक्का। तो इस तरह का प्रोसेस हमारे लिए क्या होगा, इट इज ए आइडियल प्रोसेस, इट इज ए आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस, इट इज ए रियल प्रोसेस, इट इज ए रियल प्रोसेस, जिसको आपने देख लिया। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोसेस आइडियल है तो आइडियल आइडियल होता है कभी हो नहीं रहा, तो क्या होगा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? देखा जाए तो ये अपने आप में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट में हुआ, आपने कब देख लिया उसको, ठीक है। इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस और इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में जाने में इनफाइनाइट लग रहे हैं टाइम, समझ में आ रहा है? तो थोड़ी देर पहले क्या था वही रहेगा, जैसे मेरी हाइट है बढ़ नहीं रही है, इनफाइनाइट में ये बोलूंगा इनफाइनाइट टाइम में बढ़ेगी भाई, तो 10 मिनट पहले आपने मेरे को सुना था तब क्या हाइट थी, यही रही होगी। तो क्या मैं हमेशा रिवर्सिबल अपनी पहले वाली स्टेप इस स्टेप से या स्टेज से सिमिलर नहीं रहूंगा? रहूंगा, यानी अपने आप में दोनों में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो इसका मतलब द टू स्टेप सक्सेसिव टू स्टेप ऑलवेज मेंटेन ए इक्विलिब्रियम इन दिस प्रोसेस,
टू सक्सेसिव स्टेप्स, सक्सेसिव स्टेप्स ऑलवेज मेंटेन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या जो भी है, आप तो इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, केमिकल या फिजिकल जो भी है, इस तरफ लिख रहे हैं। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि रियल है तो स्पॉन्टेनियस होगा। इट इज ए रियल प्रोसेस, बस इतना सा लिख लीजिए, नॉट इन इक्विलिब्रियम, डू नॉट हैविंग इक्विलिब्रियम, डू नॉट हैविंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं, समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो धीरे धीरे होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लग रहा है, अच्छी बात है तो एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो रिवर्सिबल है तो एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस हैविंग हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, रिवर्सिबल प्रोसेस हैविंग वेरी हाई एफिशिएंसी, वेरी हाई एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है। जबकि हम यहां क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैविंग हैविंग वेरी लो एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है? हमने बहुत सारे दोनों में डिफरेंस देखे हैं, तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में? तो एक ऐसी साइकिल बनाई जाए जिसमें सारे रिवर्सिबल हों, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, समझ में आ रहा है? लेकिन हम फिर भी वर्क डन दोनों में कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, करें तो लिख लीजिए यहाँ तक। तो देखिए, बात करते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने बता दिया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, तो उसी को आगे ले जाते हुए चल रहे हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की वजह से वर्डन पे क्या फर्क पड़ेगा, अलग अलग जगह अलग अलग क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, हेडिंग डाल रहे हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्डन में फर्क हमारे को जो देखना है। रिवर्सिबल मैं ले रहा हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या फर्क जाएगा, और दूसरा हमारे लिए रहेगा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, यानी हमारे लिए एक हो गया रिवर्सिबल और एक रह गया इरिवर्सिबल। इज दैट क्लियर? तो रिवर्सिबल ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल को एक बार समझते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कर्व, पीवी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए पी, और ये हमारे लिए हो जाएगा वी, समझना। तो ये जो पीवी कर्व जा रहा है हमारे लिए, ये है रिवर्सिबल, बिल्कुल इनफाइनाइट लूप में आ रहा है। जबकि इरिवर्सिबल कैसा होगा हमारे लिए, इस तरह से रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो ये हमारे पास इस तरह से जाएगा ए और बी, पी वी कर्व। इस जगह जो वर्क डन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा -2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन,
जबकि यहां हमारे लिए वर्डन रहेगा माइनस पी वी टू माइनस वी वन, और ये होगा हमारे पास, मान लीजिए यहाँ प्रेशर है पी ए और यहाँ है प्रेशर पी बी, तो ये पी बी ही रहेगा। जबकि यहाँ हमारे लिए क्या आएगा, ये मान लीजिए वी बी की वैल्यू वी टू है और वी वन की वी ए की वैल्यू वी वन है, तो वी टू माइनस वी वन रहेगा हमारे लिए। कोई डाउट? तो हमें बस सिर्फ यही हमारे को वर्क मिलेगा। और जब भी हम कंपेयर करते हैं दो वर्डन में तो कौन सा देखा जाता है, मैग्नीट्यूड में। अब ये देखिए एरिया अंडर द कर्व पहले और अब में क्या अंतर आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व कैसे चेंजेज होगा, पीवी में जाते वक्त क्या दिख रहा है आपको, एरिया अंडर द कर्व यहां से यहां जा रहे हैं पी और वी से, तो आपके लिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, W की वैल्यू एरिया और मैग्नीट्यूड में हम बात करेंगे, और यहां पर भी W हमारे लिए क्या रहेगा, एरिया। कौन सा एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, सही है ना। तो आप एरिया से भी आइडिया लगा सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर आपके लिए W इस जगह रिवर्सिबल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू W इरिवर्सिबल में। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। कंप्रेशन की बात करते हैं पहले, ये चीज क्लियर है हमारे लिए, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन और ये हो गया हमारे लिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एनी डाउट? अब आगे एक और कंपैरिजन हमें करना है, आइसोथर्मल एक्सपांशन की जगह अगर हम कंप्रेशन करते हैं, चलिए ठीक है। एक पॉइंट और हम समझ सकते हैं कि यहां पर इनिशियल और फाइनल दो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, एक तो ये था इस जगह और दूसरा रिजल्ट भी हमारा इंतजार कर रहा था, और वो ये था कि इनिशियल पॉइंट सेम है, तो मतलब यहां और ये पॉइंट एक है तो फाइनल पॉइंट भी सेम आएंगे, सेम आएंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में भी टेम्परेचर सेम आना चाहिए, तो यहां हमारे लिए हो सकता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कैन मतलब जरूरी नहीं हमेशा हो, इसलिए मैंने कैन लिखा है, कैन बी सेम। अगर ये पॉइंट यहां आ गया, सपोज इस जगह तक भी आ सकता है, इस कर्व को तो हमने आगे तक ले लिया और उसको हमने वहीं रोक दिया, तो सेम हो सकता है ना, जैसे ये यहीं ले गए तो हमारे इनिशियल सेम है, ओके या सुनो, या ये कहा जाए कि इनिशियल और फाइनल अगर प्रेशर सेम है तो पॉइंट भी सेम होंगे, फिर हमारे लिए सेम होगा। तो थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं इफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर आर सेम, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों तो जरूरी नहीं है, वॉल्यूम आर सेम, देन फाइनल पॉइंट शुड बी सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम, देन इनिशियल एंड फाइनल फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। हाँ या ना, अब आगे हटा दूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन की, रिवर्सिबल आइसोथर पर कंप्रेशन, एक्सपांशन की जगह हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। बस जब भी हमारे लिए कंप्रेशन होगा तो पहले कर्व इस तरफ जा रहा था, अब हमारा कर्व इस तरह हो जाएगा, ये इनिशियल और ये फाइनल,
तो आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला भी वही रहेगा, -2.303 माइनस आएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपांशन में माइनस आता है तो कंप्रेशन में प्लस आएगा, हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा। 2.303 एन आर टी लॉग वी बी बाय वी ए, यानी फाइनल बाय इनिशियल, ये रहेगा। या आप बोल सकते हो डब्ल्यू इक्वल टू एरिया। तो ये एरिया आप कौन सा लोगे, वही बस पहले साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले वीबी की वैल्यू ज्यादा थी, अब वीबी की वैल्यू कम है वीए के कंपेयर में, सही है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम है इस जगह, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बस अंतर ये। हम लेकिन कंपेरिजन हमेशा किस में करते हैं, मोड में। तो अभी हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन में हमेशा पहले हमने बात की है, ध्यान से सुनना, इरिवर्सिबल में एक ही स्टेप में होता है। इरिवर्सिबल का मतलब सिंगल स्टेप या फाइनाइट स्टेप्स। लेकिन पहले क्या चेंजेज होता है, प्रेशर, फिर वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये पहले प्रेशर चेंज हुआ और अब क्या होगा, वॉल्यूम। ये आपके लिए मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम वी ए था और यहां पर भी वी ए रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, वी बी। तो पी वी आपके पास आ गया। यहां डब्ल्यू क्या होगा आपके लिए, माइनस पी जो भी है बी आएगा, लास्ट वाला जिसके अगेंस्ट में वर्क हुआ है, जिस प्रेशर के, वो वाला प्रेशर कौन सा है, पी बी। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। लेकिन यहां पर पी बी की वैल्यू बहुत अच्छी खासी दिख रही है और आपको एरिया अंडर द कर्व भी बहुत ज्यादा मिलेगा, इससे तो ज्यादा मिलेगा, इसमें तो इतना सा मिला था, उसमें इतना ज्यादा मिल रहा है। तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी इस जगह, एरिया। और यहां क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वेरिया क्या होगी, प्लस में। लेकिन हम हमेशा कंपेरिजन किस में करते हैं, मैग्नीट्यूड में। तो रिजल्ट जो आपके पास आएंगे, रिजल्ट, रिजल्ट एक एक करके लिखते जाए, रिजल्ट फर्स्ट क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये ज्यादा होगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पी वी, सही है। तो ये पी वी हमारे पास हो जाएगा, कोई डाउट, या सुनो क्लियर है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में कौन सा ज्यादा होगा, ये, कोई डाउट नहीं है। अब हटा दूं मैं ये, तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक और पॉइंट बन सकता है, वही वाला कि अगर इनिशियल पॉइंट, सेकंड पॉइंट वही जो आप बोल रहे हैं कि अगर पी ए और पी बी बराबर है, मतलब आपस में प्रेशर बराबर है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ऑफ प्रेशर आर सेम फॉर बोथ द कर्व, देन व्हाट, देन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम फॉर बोथ कर्व। ये हमारे लिए एक बहुत छोटा सा ही पॉइंट हो गया जो आपको लिखना है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशंस और पहले एक्सपांशन कर लेते हैं हम, ठीक है, एक्सपांशन।
ये हमारे पास हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, दोनों को देखते हैं हम। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन ए और बी, पीवी, क्या ये ऐसे जाएगा? नहीं, ये किस तरह से जाएगा? देखिए इस तरह से, हाँ या ना? तो ये हमारे पास जब इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, पहले तो आप समझिए ए और ये हमारे पास बी, किसके अंदर आपको वर्ग का एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है? सोच के बोलना। रिवर्सिबल बहुत कम दिखाई देगा आपको। तो अगर मैं यहां पर वर्डन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये अपने आप में नेगेटिव है, गामा माइनस वन, तो ओवरऑल एक्सपांशन हो रहा है तो नेगेटिव ही आएगा। और यहां डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे लिए? माइनस पी, और पी कौन सा आएगा? ये पी पी वाला, पी पी वी टू माइनस वी वन, हमें तो एरिया देखना है, या फिर डब्ल्यू इक्वल टू एरिया लिख दो। और यहां डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? यहां पर भी एरिया। अब रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट रिजल्ट, आपको फर्स्ट रिजल्ट क्या दिखाई देगा? W किस में ज्यादा है, रिवर्सिबल में या W इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, उसका एरिया बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका बहुत कम दिखेगा। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड, इफ इनिशियल पॉइंट सेम, इफ इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर आर सेम, फाइनल पॉइंट का मतलब फाइनल प्रेशर लिख देते हैं, फाइनल प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम जो भी है, फाइनल प्रेशर आर सेम, तो हमें यह चीज भूलना नहीं चाहिए कि टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल का हमेशा ज्यादा होगा। ये मैं आपको अलग से प्रूव कर सकता हूं, लेकिन अभी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी अगर हम बात करते हैं प्रेशर सेम है, समझना, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में, समझ में आ रहा है? तो अगर दोनों को एक साथ मिलाया जाए, दोनों को, तो ये इस तरफ से जाएगा सेम, यहां पर दोनों के लिए क्या है? सेम वॉल्यूम है। अगर सेम प्रेशर करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम दिख रहा है ना, तो आप कैसे बनाओगे? सेम प्रेशर करना है, यह हम अलग से लिखेंगे, लेकिन पहले तो आप समझ लीजिए, सेम प्रेशर लिखना है तो इस तरह से जाएगा। सेम प्रेशर है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। बोलो लॉक कर दें, याद रख लोगे? तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये कब सही है? जब फाइनल वॉल्यूम सेम है। ये कब सही है? जब फाइनल प्रेशर सेम है। तो थोड़ा सा आगे जाएगा, इरिवर्सिबल हमेशा ऐसे चलता है एक ही स्टेप में, जबकि ये कितने स्टेप्स में चलेगा? इनफाइनाइट। तो कुछ समझ में आ रहा है? अब आगे ये दो और कर्व हमारे लिए रिजल्ट्स में आ गए, थोड़ा सा इसको एक्सपांशन की जगह कंप्रेशन में कर लेते हैं। कंप्रेशन अलग से लिखना पड़ेगा,
कंप्रेशन में आप कैसे देखोगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे और आपका कर्व कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे बी की तरफ जा रहे हो, यस और नो? पी वी वर्डन आपका वही एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आप ही बताइए, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, फॉर्मूला वही रहता है, वो और बातें, पी टू वी टू की वैल्यू क्या रहेगी, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ पी टू वी टू की वैल्यू पी वन वी वन से ज़्यादा है तो पॉजिटिव माइनस, मतलब ऊपर क्या रहेगा, ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव अपने आप क्या आएगा पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट हो गया रिवर्सिबल, किसका, एक्सपांशन का अपोजिट कंप्रेशन, सेम वही पाथ, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, पाथ चेंज हो जाता है, कैसे, ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा पी ए, यानी वही जो भी आपके पास आ रहा है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, सही है, और एरिया अंडर द कर्व अब आपके पास बहुत सारा हो गया, इतना आ गया, जबकि पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एरिया आप सोच लो आपको कितना मिल रहा है, तो यहां आपके लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगेगा, माइनस पी बी वी टू माइनस वी वन, वी टू ये वाला वी टू कहलाएगा आपके लिए, वी वन या वी बी माइनस वी ए, अब चाहो तो वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हो, वी ए वी बी माइनस वी ए, नॉर्मली देखे तो क्या, नॉर्मली एक्सपांशन या कंप्रेशन, नहीं आपको यहां पर किसमें ज्यादा मिलेगा, नहीं मैग्नीट्यूड में कंपेयर करते हैं हम हमेशा वर्डन, तो फिर बात अलग हो गया, फिर रिवर्स, बिल्कुल सही कहा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं कहा जा रहा है तो हमेशा आपके लिए रिवर्सिबल में ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है तो, सही कह रहे हो आप, लेकिन हम हमेशा कंपैरिजन मैग्नीट्यूड में करते हैं, और जब रिजल्ट्स हम निकालेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज है, क्यू यहां पर भी जीरो है और क्यू यहां पर भी जीरो है, क्योंकि एडियाबेटिक है, रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट आपके लिए क्या बनेगा, कंपेयर डब्ल्यू का, तो आपको क्या लग रहा है, डब्ल्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू इरिवर्सिबल, दूसरा क्या बन रहा है आपके लिए, हमेशा टेम्परेचर की बात करें, भले टी रिवर्सिबल और टी इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा, जब ज्यादा होगा तो दो कर्व और हमारे पास बन जाएंगे, पी वी और पी वी, ये तो मान लीजिए आपका कंप्रेशन है, यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या रखना है, वॉल्यूम ज्यादा रखना है, सेम प्रेशर है तो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरफ देख लीजिए, और अगर वॉल्यूम सेम रखना है लास्ट तो प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, ए पॉइंट दोनों का सेम है, ए बी, लेकिन उसके लिए जो बी डैश होगा वो ऊपर जाएगा, ए इसके लिए बी, और ये जो बी डैश होगा ये इस तरफ रहेगा, तो क्या आपको ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर है कंसेप्ट, तो आपने एक तरह से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों में बहुत अच्छे से कंपेयर कर लिया है, कर लिया है ना, आपके दिमाग में छोटे छोटे से पॉइंट आ रहे हैं, सर ने तो डायरेक्ट बताया कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ज्यादा इरिवर्सिबल में होगा, क्या हमें डेरिवेशन करने की जरूरत है, कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर आप बोलोगे तो, वैसे जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी आपको, तो छोड़ दें, ठीक है पता करते, चलो तुम कह रहे हो तो मैं पता कर देता हूं, देखो इधर हटा दूं मैं पहले,
तो बात आती है पता करने की कि मैंने कहा है तो कैसे कह दिया। इसको पता लगाने के लिए आपके लिए बहुत इजी है, बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, TD। आप क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये अपन ने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहेगी? एन सी वी डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का सही है। इधर ये हमारे पास डब्ल्यू हो गया और एन सी वी डेल्टा टी डब्ल्यू, ये मान लीजिए रिवर्सिबल के लिए और ये मान लीजिए डब्ल्यू इरिवर्सिबल के लिए, पक्का? तो बस अंतर क्या होगा, यहां एन सेम है, सी वी सेम है, लेकिन डेल्टा टी एच अलग होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि डब्ल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब एन सेम है तो डेल्टा टी भी सेम नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले केस फर्स्ट ले लो, आप कौन सा लोगे? आप लोगे एक्सपांशन, सही है। तो एक्सपांशन में डब्ल्यू दोनों ही जगह नेगेटिव मिल रहा है, बोलो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो अगर आप माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल और माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो अब अपन को साइन के साथ यहां पर देखना है तो किस में ज्यादा वर्क डन था, इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में? मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा था, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैग्नीट्यूड ज्यादा था। चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, पक्का? तो यहां पर भी आपको मैग्नीट्यूड ही रखना पड़ेगा एनसीवी डेल्टा टी, तो ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? एन सी वी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डेल्टा टी रिवर्सिबल वाला आ रहा ही है और ये इरिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल एन सी वी डेल्टा टी इरिवर्सिबल, एन सी वी क्रॉस हो गया। बोलो हाँ या ना? आपके लिए डेल्टा टी क्या होता है? मैग्नीट्यूड में रखना है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है एक्सपांशन में? कम, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? टी आपको मैग्नीट्यूड रखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल रखोगे या इनिशियल माइनस फाइनल? मैग्नीट्यूड हटाते वक्त इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, पक्का? और ये इनिशियल सेम है तो ये हमारे लिए हो गया रिवर्सिबल और यहां टी इनिशियल टी यहां पर फाइनल आएगा। क्या लिखोगे आप? इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। बस अंतर क्या है कि ये जो आएगा हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल, और ग्रेटर देन का साइन यहां रहेगा, दोनों कट जाएगा। लेकिन अब ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए टी फाइनल रिवर्सिबल, टी फाइनल इरिवर्सिबल। मैं तो बिल्कुल सही था, बोलो यस और नो, लॉक कर दूं मैं? तो ये तो रहा हमारा आपने जो कहा डेरिवेशन। लेकिन अब आप कहेंगे सर ठीक है फाइनल यहां ज्यादा आ गया इरिवर्सिबल में, कंप्रेशन होता तब भी यही बदल रहे हो। लेकिन अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो केस सेकेंड, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, समझना। तो ये वाला वैल्यू भी यहीं तक रहेगी, बिल्कुल नहीं होगा रिवर्सिबल का हमेशा, हाँ यहां चेंज होगा साइन और ये भी चेंज होगा। अभी एक मिनट मेरे को बोलने दो, ये चेंज होगा इरिवर्सिबल में, वर्डन ज्यादा था, ये भी ज्यादा था, आ रहा है? आपने लिख लिया था पुराना वाला? तो एक मिनट, फिर उसके बाद होगा क्या? ये तो पहले वाले का डिक्टेशन था, इसके लिए डिक्टेशन क्या रहेगा आपके लिए? क्योंकि यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा,
बढ़ेगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल रिवर्सिबल, और ये साइन आपका यहां रहेगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये रहेगा इरिवर्सिबल का, ये कट गया और साइन आपका ये है। तो अब सही है, तो यहां फाइनल माइनस इनिशियल है, इनिशियल वाला आपका कट जाएगा, यहां पर फाइनल वाला बच जाएगा, आप गलत काट रहे हैं, ये वाली चीज कट जाएगी आपकी। तो टी फाइनल रिवर्सिबल और टी फाइनल इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल ही है, दोनों ही जगह इरिवर्सिबल का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। प्रूव कर दिया, एक बार और समझ लें, आया या नहीं आया।